नेक्स्ट है, एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से अच्छी हो जा बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है। तो अभी हमने दो स्थिति देखी थी, एक सलीम की देखी और स्वप्ना की देखी। तो इसमें क्या था, पहली स्थिति में क्या हुआ, उसकी आय बढ़ गई और दूसरी में क्या हुआ, फसल खराब होने की वजह से वो जो व्यक्ति जो सपना थी वो उसके ऋण के जाल में फंस गई। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा एक हिस्सा बेचना पड़ा। स्पष्ट है कि इसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। तो बता रहे कि जो क्या हुआ, सपना पे इतनी नौबत आ गई कि उसे लास्ट में कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। तो इससे पता लगता है कि जो उसकी स्थिति है बदतर यानी बेकार हो गई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं यह परिस्थिति के खतरों या हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। तो बता रहे कि ऋण जो हमने लिया है वो उपयोगी होगा या नहीं होगा, वो चीज़ डिपेंड करती है परिस्थितियों के खतरों और हानि होने का पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऋण की शर्त। अब ऋण की शर्तें क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल कर्म जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। अब बता रहे जो हर ऋण होता है उसमें जो ब्याज दर होती है एक निश्चित कर दी जाती है। उसके बाद जो कर्जदार होता है वो जो जिससे भी मतलब जिससे भी ऋण ले रहा है उसको मूल रकम के साथ वो वापस कर देता है। इसके अलावा उधारदाता अपने सार्थक ऋणदार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। मतलब अगर उसे लगता है कि कोई चीज़ अगर ये वापस नहीं कर पाएगा टाइम पे तो वो क्या करते हैं, वो कोई चीज़ गिरवी रख लेते हैं। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। अब क्या है जो कुछ स्थिति में क्या होता है, जब उन्हें गारंटी देने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, तो इन सभी का वो यूज़ करते हैं उधारदाता को गारंटी देने के लिए। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। वो कह रहे हैं कि जब तक उन्हें लगता है कि ये जो कर्जदार है उनका भुगतान नहीं कर पाएगा तब तक वो उसको बेचने के हकदार होते हैं। मतलब उनको ये अधिकार होता है कि वो उसे बेच के अपना जो उनकी पूंजी है वो निकाल सकें। संपत्ति जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं। अब संपत्ति हो गए, संपत्ति में जैसे क्या होता है, ज़मीन हो गई, बैंकों में जो जमा पूंजी है, पशु है इत्यादि, ये क्या समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग लोग क्या करते हैं, कर्ज लेने के लिए करते हैं।